सबसे तो मर ही रहे हैं जनता, सबसे ज्यादा गरीब आदमी मरता है। अमीर तो कहते हैं कि मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, अमीर के लिए कुछ नहीं है, जो है गरीब के लिए है भैया। गरीब क्या करेगा, मान लो जो दिहाड़ी करता है 5000 रुपया मिलता है उसको, बच्चे की क्या फीस देगा, क्या पढ़ाएगा, क्या खाएगा, ये सोचो। मैं भी सफेद हो गया बाल, यहीं पर शादी करके आई हूँ, बच्चे मेरे भी पढ़े हैं लिखे हैं, लड़कियाँ देखो बी एड कर करके घर में बैठी है, आज तक कहीं नौकरी नहीं भरो, कभी निकल जाता 10, वो मतलब मोदी आए तब से मुश्किल से एक दो बार वैकेंसी निकला हो, वैकेंसी नहीं है तो बच्चे जाएंगे हमारे के कैसे। दिक्कत हो रही है घर में, हर चीज़ महंगा होगा तो बजट तो खराब होगा ना घर का। अभी तो 2 महीना पहले टमाटर महंगा था 200 रुपया किलो था, अभी प्याज महंगा हो गया है, हर रोज़ महंगा होता रहेगा तो क्या करेंगे अब। गवर्नमेंट को ही दोष देंगे कि सरकारें तो आ जाती है पर आम जनता के लिए क्या करते हैं। कभी देखिए टमाटर महंगे होते हैं, कभी प्याज महंगा हो जाता है, और सब्जियां भी आपको पता ही है महंगी है, 80-40 रुपये किलो से कम कुछ है। परेशानी तो है ही, परेशानी तो है ही, दो जने कमाते तब भी नहीं होता, पहले हस्बैंड ही कमाते थे तो हो जाता था, अब दोनों कमाते तब भी कम पड़ता है। सरकार से क्या कहें, सरकार तो हम ही चुनते हैं, इसलिए गलती तो हमारी है। महंगाई की तरफ तो मोदी जी का ध्यान ही नहीं है, विदेशों की तरह भी ध्यान है, महंगाई की तरफ कहाँ ध्यान है। प्याज इतना महंगा हो गया है कि बस सिर्फ 1 किलो की जगह लोग आधी आधी किलो ही लेके जा रहे हैं, 80 रुपये किलो हो गया था, घर का बजट तो सारा होता ही है। सब्जियाँ अब टमाटर 50 रुपये किलो हो गए, तो इसमें से ना 25 रुपये के जब गरीब हैं बेचारे वो तो आधी किलो ही ले पाएंगे, और सारा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है जब सब्जियाँ सारी महंगी होती हैं। तो पहले इतनी महंगाई नहीं थी, अब ज़्यादा महंगाई हुई है। कांग्रेस में तो बहुत अच्छा चला भैया, हमारा तो कांग्रेस में अच्छा चला। अब जो कहता है मोदी के भक्त है कि मोदी आए तो हमें ये कर दिए वो कर दिए, पता ना क्या करें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता, और ना देखा ही हमने, कुछ किया ही नहीं है वो, क्या कहूँ। उनके बच्चे तो है नहीं, जिनके बच्चे उनसे पूछो भैया कि कैसे बच्चे पाल रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, जिसको है वो जानता है। ताजा ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।